मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में समय व्यतीत करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में पहली बार आता है तो माँ उस बच्चे की इस मृत्युलोक में आने से पहले ही कई सपने बुनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में क्या सोचता है और उसे गर्भ में क्या सजा भोगनी पड़ती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु स्वर्ग नरक पाप पुण्य मोक्ष पाने के उपाय आदि के साथ यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। शिशु माँ के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मन एवं मस्तिष्क में क्या क्या बातें चलती है, यही सारी बातें आज की इस प्रस्तुति में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड की प्रीत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर परित्याग करके अब मैं मलादी में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सरक कर चलने वाले सर्पादि की योनि में पहुँचा, फिर मच्छर हो गया था, उसके बाद चार पैरों वाला अब्र या प्रश्व नामक पशु बन गया था अथवा जंगली शुकर की योनि में प्रवेश था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को कुचलने का विचार करता रहा, मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके द्वित छल कपट और चोर प्रति का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं माता लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषी धन का उपयोग वह नहीं कर सका और अग्निदेव अतिथि और बंधु बांधव को स्वादिष्ट अन्न फल ओरस तथा तामुल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया और ना तो उनकी पूजा की। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है तब यमदूत उसे कहते हैं कि हे देह धारेन, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव अपने को कोसता हुआ कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गौ दान, जल दान, फल दान, तांबूल दान अथवा गंध दान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, तुम्हारा पांच भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया, जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके बाद में वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करिए। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नर्क आदि प्राप्त होते हैं, इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है
लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही सांस लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद किए पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसी स्थिति में शिशु ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे लक्ष्मीपति जगदाधार, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे यह ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुण से कहते हैं, यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक ब्याह मोह के कारण स्मृति हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसे याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।